नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। राहुल गांधी बिहार आए हुए हैं, यहाँ पर आज वो 3 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी से ये सवाल पूछने का ये समय एकदम ठीक है कि राहुल गांधी जिन लोगों को चमचा चमची जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं, ऐसे में क्या राहुल गांधी से जब सवाल किया जाएगा तो उसका जवाब राहुल गांधी देने में सक्षम हो पाएंगे? राहुल गांधी पत्रकारों को चमचा और चमची जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं, और अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखते हैं, खासकर अगर आप ट्विटर पे जाते हैं, तो वहां चमची ट्रेंड कर रहा है। ये चमची राहुल गांधी ने किसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है वो हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन राहुल गांधी को दिक्कत इस बात से है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार पत्रकार इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को दिक्कत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है या फिर उनसे पूछे जाने वाले सवालों से है, या फिर दिक्कत इस बात से है कि पत्रकार नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी जर्नलिस्ट हैं श्रीमी, से हम बात करेंगे और जानेंगे कि अगर उनको राहुल गांधी मिलते हैं तो वो कैसा सवाल करेंगी, और क्या वो जो सवाल करेंगे उसके बाद अगर इनको कोई चमचा चमची जैसे शब्दों से नवाजता है तो राहुल गांधी फिर क्या करेंगे? श्रीमी, राहुल गांधी बिहार आए हुए हैं, 2 से 3 दिनों से लगातार ट्विटर पर चमची शब्द ट्रेंड कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए वंदना, चमची शब्द जिसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है उनका नाम तो हम नहीं ले सकते जी, मगर आप सोचिए राहुल गांधी अगर एक महिला के लिए चमची शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो तमाम महिलाओं को, भारत की महिलाओं को इज्जत देने का जो वो दावा करते हैं वो कैसे देंगे? राहुल गांधी कहते हैं कि वो महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन राहुल गांधी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए पैसे से बढ़कर होता है इज्जत। पहले आप उनको इज्जत दीजिए, फिर आप पैसे की बात कीजिएगा। वंदना, आप ही बताइए, एक महिला होने के नाते अगर आपको कोई आपके ऊपर ऐसे शब्दों का वान चलाता है तो कैसा लगेगा आपको? एकदम ठीक नहीं लगेगा। और राहुल गांधी को ये चमचा चमची जैसे शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा क्योंकि लगातार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर बिहार आए हैं और अब चुनाव खत्म होने के कगार पर है, तो लगातार उनका इंटरव्यू जो पत्रकार हैं वो ले रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को ये दिक्कत है कि जो उनसे इंटरव्यू ले रहा है, जो उनसे सवाल कर रहा है, वो डायरेक्ट तीखे सवाल क्यों नहीं कर रहा है? तो वंदना, आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो, एक पीएम से कैसे सवाल कोई करेगा, और अगर राहुल गांधी के पास आप जाती हैं तो कैसा सवाल? पहले तो वंदना, देश के प्रधानमंत्री के सामने जब आप जाते हैं तो एक मर्यादा में रहना पड़ता है आपको, क्योंकि वहां पे बस आप एक नेता का इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, आप अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरी दुनिया उस इंटरव्यू को देखती है जब आप भारत के प्रधानमंत्री के सामने माइक खड़ा करते हैं। और राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी अगर उनके मन मुताबिक सवाल पूछा नहीं जाता प्रधानमंत्री मोदी से तो उन्हें इतना बुरा लग जाता है। उनकी माँ सोनिया गांधी से क्या सवाल किए जाते थे? खाना बनाना आता है आपको? आपकी सासू माँ यानी कि आपकी सासू माँ इंदिरा गांधी, उन्हें आपके आपके हाथों का खाना पसंद आता है? ये कैसे तीखे, ये क्या तीखे सवाल है? ये क्या राजनीति से रिलेटेड सवाल है? इसीलिए राहुल गांधी को मैं एक जर्नलिस्ट के नाते बोलना चाहती हूँ कि वक्त आपका, जगह आपकी और सवाल हमारे, आप बताइए कहाँ आना है, हम पहुंच जाएंगे अपने सवालों के साथ आपसे बात करने। क्यों आप इंटरव्यू नहीं देना चाहते? यहाँ प्रधानमंत्री इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तेजस्वी यादव इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या आप अपने आप को काबिल नहीं समझते? अगर ऐसा है तो मत समझिए, क्योंकि वंदना, क्या आप नहीं जाना चाहेंगी राहुल गांधी का इंटरव्यू लेने, उनसे सवाल जानना चाहूंगी? और सिमी, ये पहली दफा नहीं हुआ है जब किसी महिला को लेकर राहुल गांधी का ऐसा बयान सामने आया है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी अपनी यात्रा पर थे, वो जनसंपर्क कर रहे थे, पूरे देश भर में घूम रहे थे, जिस दौरान जब वो बिहार आए या फिर तमाम अलग अलग राज्यों में जा रहे थे तो वो बार बार ऐश्वर्या राय को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। आप ऐश्वर्या राय जैसी महिला को लेकर ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप अमिताभ बच्चन को लेकर बातें कर रहे हैं, और अब आप चमचा चमची पर उतारू हो गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हाल ही में ये बातें चल रही थी कि वो अपने शब्दों की मर्यादा को भूल रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रही थी। ऐसे में सवाल विपक्ष पर भी उठना चाहिए कि आप अपने शब्दों के मर्यादा में
कहंद हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर ये शब्द ट्रेंड हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। अगर इंडिया में ये शब्द जर्नलिस्ट के लिए ट्रेंड होता है तो फिर बाहर दूसरे देश के लोग आपके यहाँ के लोगों को किस तरीके से देखेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। वंदना, पत्रकार फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं पत्रकार को, और एक पत्रकार के लिए चमची जैसा शब्द प्रयोग किया गया और आज वो शब्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इतना ट्रेंड कर रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप कितना बड़ा मुद्दा है ये। एक देश की बेटी को चमची बुलाया जाता है और फिर दूसरी देश के बेटी को अब पैसे देने का वादा करते हैं। वंदना, राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया है, या बार बार जहां भी वो जनसभा करने जा रहे हैं बोल रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 1 लाख आएगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, तो महिलाओं को लेकर हाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनका ट्विटर भी अकाउंट आप खोलती है तो सबसे पहला जो खबर पेज है उसमें महिलाएं नजर आ रही हैं। आप महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जब आप जुबान खोलते हैं तो उसमें महिलाओं के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखती जिससे महिलाएं भरोसा करें और आपको जाकर वोट डाले। दूसरों पे सवाल उठाते दिखते हैं राहुल गांधी, बिल्कुल उनका अधिकार है सवाल उठाने का, मगर खुद पे भी तो वो लागू करना चाहिए। भाषा की मर्यादा पे इतना बात करते हैं राहुल गांधी, तो खुद की भी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। जी, फिलहाल बात कर रहे हैं इनके शब्दों की मर्यादा की, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को लेकर भी तमाम ऐसी बातें चल रही हैं कि वो मां से मर्यादा भूल जाते हैं, महिलाओं के बारे में किस तरीके से बात की जाती है, मुजरा जैसा शब्द वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर विपक्ष उन पर सवाल उठाती है तो विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि अगर आप उस पर सवाल उठा रहे हैं तो आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आप पर सवाल ना उठे। मैनिफेस्टो को अगर हम हटा दें, लेकिन जिस तरीके से ये बार बार और एक बार 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 जब भी ये कहीं जाते हैं जनसभा को संबोधित करते हैं, खासकर मीडिया को टारगेट करते हैं, और इनका कहना है कि मीडिया इनकी खबर नहीं चलाती। अगर मीडिया खबर नहीं चलाती तो आप जनसभा में क्या बोल रहे हैं, ये कैसे लोगों तक पहुंच रहा है? हम और आप हैं। Exactly. क्या राहुल गांधी का इंटरव्यू लेना आप नहीं चाहेंगी? बिल्कुल क्यों नहीं चाहेंगे? विपक्ष में राहुल गांधी बैठे हैं और राहुल गांधी से बातचीत करना तो हम बिल्कुल चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो बातचीत मीडिया से खुद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप सोचिए अगर राहुल गांधी तैयार है इंटरव्यू देने के लिए तो कौन सा वो पत्रकार है जो उनका इंटरव्यू लेना नहीं चाहेगा। प्रियंका गांधी का भी इंटरव्यू होता है, मगर उसमें भी अगर आपने देखा होगा वंदना, कोई तीखे सवाल नहीं पूछे गए, कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा गया जिससे कुछ बड़ा सामने आता है, उनसे भी काफी सॉफ्ट क्वेश्चंस पूछे गए, तो उस पर राहुल गांधी ने कुछ क्यों नहीं बोला? तीखे सवाल की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी को हमेशा अक्सर जैसे ये चमची बोलते हैं वैसे पप्पू करके लोग इनको पुकारते हैं, क्या इनके सामने हम और आप जाएंगे तो इनसे ये सवाल कर पाएंगे, और अगर हम सवाल करेंगे तो क्या इसका ये जवाब देंगे? हम ये भी सवाल नहीं कर सकते कि आपको विपक्ष या जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं वो पप्पू बोलते हैं, इसका जवाब अगर राहुल गांधी दे सकते हैं तो फिर अगर आप चमची जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा जायज है, लेकिन ऐसा सवाल कोई किसी से नहीं पूछ सकता, क्योंकि एक मर्यादा होती है। या हम किसी के सामने बैठे हैं उनसे सीधे पूछ नहीं सकते, बोल नहीं सकते कि आपको लोग ये पुकारते हैं, क्योंकि उनका नाम वो है नहीं, उनका नाम है राहुल गांधी, उनको हम नहीं पुकार सकते हैं क्योंकि हम एक मर्यादा रख रहे हैं। वैसे ही ठीक वैसे ही जब हम देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं तो हम कुछ भी सवाल थोड़ी ना कर पाएंगे। तो देखना ये होगा कि राहुल गांधी जो तरीके से नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवालों को लेकर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, जो पत्रकार पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं उनको चमचा चमची जैसे शब्दों से राहुल गांधी नवाज रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी बिहार आए हुए हैं और देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी कितने उनके कहने पर जो चमचा चमची है उनको इंटरव्यू देते हैं, कितने इंटरव्यू राहुल गांधी के सामने आते हैं और अपने कीमती समय को राहुल गांधी कितना लोगों के लिए निकालते हैं देखना होगा। और उसके बाद ही ये तय होगा कि अगर राहुल गांधी किसी पर सवाल उठाते हैं, किसी एक पर उंगली उठाते हैं, तो बाकी की जो उंगली है वो राहुल गांधी की तरफ उठती है या नहीं उठती है। राहुल गांधी बिहार आए हैं 7वें चरण के चुनाव की तैयारी में, क्योंकि पूरा चुनाव खत्म हो गया और राहुल गांधी सिर्फ एक बार बिहार आए थे और उस पर जब सवाल उठने लगा तो दूसरी बार राहुल गांधी बिहार में है, अब आए हैं, चुनावी जनसभा करेंगे और जो परिणाम है वो 4 जून को सामने आएगा। लेकिन परिणाम कुछ भी आए, लेकिन उसे बीच शब्दों के मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। आखिर उस पर आपकी क्या राय जरूर बताइए। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रीमती, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।